हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब अबे लोग? धीरे धीरे बिजी लाइन चूज कर लेवानी है माने में लगेगा। या ये मेरी बीवी है, ऐसा ही आवाज है, क्या कर सकते हैं ना, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर प्रकाश यहाँ से ऐसा ऐसा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन लाइफ में ऐसे चलते रहना पड़ता है, वरना तो फिर प्रॉब्लम्स के बीच में दब के मर जाएंगे। जोकिंग जबरदस्त गर्मी का मौसम है यहाँ पे, 33 डिग्री, लेकिन लगता है 40 डिग्री है। तो काम काज का सब कुछ डामाडोल चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से अपना क्या बोलते हैं, बच्चों का जो स्कूल का प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको आगे थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों स्कूल काफी सारे हैं मोपुतु में, आपको इंटरनेशनल मिल जाएगा, इंग्लिश स्कूल मिल जाएगा, पोर्चुगीज स्कूल मिल जाएगा, और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनका भी एक स्कूल है, जो कि मुझे बहुत सारा डिटेल नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा है कि एक स्कूल है। तो मतलब स्कूल काफी सारे हैं, आपको मतलब जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन स्कूल अवेलेबल है। लेकिन अब जो फिलहाल जो स्यापा चल रहा है, वो चल रहा है कि आपका मतलब जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद कर दिया था और स्कूल वगैरह भी बंद हो चुके थे। लेकिन अभी फिलहाल लास्ट मंथ से इन लोगों ने कुछ नया चालू किया है कि नहीं अभी स्कूल चालू होगा नहीं होगा, तो उसी की कश्मकश में सब लोग मतलब बुला रहे नहीं बुला रहे। फिलहाल अब तक वो लोग ऑनलाइन ले रहे थे, सब कुछ चल रहा था, और अब लास्ट मंथ चालू है। यहाँ पे कैसा है, जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअली मुझे आज ही पता चला कि यहाँ पे जो लोकल स्कूल है वो अपने इंडिया में जैसा होता है मार्च वगैरह एंड होता है, जून जुलाई में शुरू होता है, उसी टाइप से है। लेकिन ये जो इंग्लिश स्कूल है या पुर्तगीज स्कूल है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो ये मुझे आज ही एक्चुअली कंफर्म हुआ कि नहीं ऐसा भी है, मतलब हर एक स्कूल का अपना कुछ अपना ही सिस्टम चल रहा है। जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ सारी दुनिया में सब कुछ बंद हो गया, यहाँ पे भी स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके थे, और शुरू कर दिया इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस। इन करने में ही उनका टाइम चला गया, और फिर थोड़े टाइम हुआ नवंबर से इन लोग ने शुरू कर दिया कि नहीं अभी स्कूल चालू होगा नहीं होगा। तो उन लोगों ने स्कूल तो चालू कर दिए, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि 7th स्टैंडर्ड से जो बड़े बच्चे हैं, 7th से 8, 9, 10th और सेकेंडरी स्कूल, उनके लिए स्कूल चालू हो गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए तो अब तक स्कूल शुरू हुए ही नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में या फिर कुछ और भी स्कूल्स में उन लोगों ने कहा कि नहीं अभी हम लोग ने सब कुछ शुरू कर दिया है, सब कुछ ध्यान से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड में कोई भी बोल सकता है कि यार वो बच्चों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग रखने से, या फिर ये सब कुछ जो केयर लेना है वो कैसे कर पाएंगे। तो फिर थोड़ा टाइम में उन्होंने ये चेंज किया कि नहीं जिनको ऑनलाइन शुरू रखना है वो ऑनलाइन रखे, जिनको ऑफलाइन आना है वो ऑफलाइन आ सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपने बच्चों को नहीं भेजा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो अभी तक 1st, 2nd मतलब 4th स्टैंडर्ड में है तो क्या मतलब क्या ही पढ़ लेंगे और क्या ही IAS बन जाएंगे, है कि नहीं। तो मैंने तो अब तक नहीं भेजे। इसमें यार स्कूल वालों का भी कोई ज्यादा कोई दोष है नहीं, उनको भी सारे एक्सपेंस तो देने हैं, तो उसकी वजह से उनको भी थोड़ा बहुत ये सब कुछ करना पड़ेगा, ताकि पेरेंट्स को लगे कि वो पढ़ रहे हैं तो फीस तो भरनी पड़ेगी। हालांकि मेरे स्कूल वालों ने अच्छा खासा मतलब डिस्काउंट वगैरह कर दिया, जो जो टाइम तक ऑनलाइन चल रहा था उन लोगों ने 50% पे किया वगैरह, मतलब 50% पे करने के लिए बोला है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अभी जो एग्जाम आई है, तो बोल रहे हैं कि नहीं हम एक्सटेंड किया
जो दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाना चाहिए था उसको लगा पूरा और 22 23 तारीख तक खींच लिया है, और बाद में बोला कि नहीं स्कूल में आओ और स्कूल से ही एग्जाम देंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट दी कि भाई ये नहीं होएगा, ये अपने को नहीं चोलबेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग पेपर भेज रहे, क्योंकि पिछली और भी जो एग्जाम हुई थी वो सारी ऑनलाइन ही हुई थी। तो उन लोगों ने पेपर भेजे और फिर आपने देखा जैसे कि मैं फिर बाद में गया तो वो सारे जेरोक्स वगैरह निकाल के बच्चों को दे दिया कि भाई एग्जाम करो और दे दो, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, ये सारी जगह पे पेंडेमिक है और होने ही वाला है, और स्कूल वाले भी क्या करेंगे ना, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा वरना उनका काम तो चलने नहीं वाला है। तो बस यही है कि फिलहाल अभी मोजाम्बिक में जो स्कूल का सियापा चल रहा है वो ऐसा ही सब कुछ है कि भाई कैसे कैसे कुछ भी करके चलाए और कैसे कुछ भी करके पेरेंट्स सब लोग फीस भरे, स्कूल का भी काम हो। लेकिन अभी ये सब कुछ अगले साल ही शुरू होने वाले हैं, अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं है, और सेवेंथ स्टैंडर्ड से कम बच्चों को तो परेशान करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है। दोस्तों कमेंट्स की बात चलिए तो मैं शाउट आउट दे देता हूँ सोनिया आसिफ व्लॉग्स को। दोस्तों इनकी अच्छी चैनल है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और उनके काफ़ी वीडियोस थोड़े इंटरेस्टिंग है और नए नए व्लॉगर्स भी है, तो आप सब लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी वाइफ को अमित भडाना कौन है नहीं पता है, हाउ इट पॉसिबल यू नो। अभी मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अमित भडाना नहीं पता है। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। एक्चुअली जो यूट्यूब पे वीडियो देखी जाती है वो देखते हैं नेल पेंट्स की कलर विलर ये वैसे ही वीडियो देखते हैं, तो अमित भडाना कौन है पता नहीं। तो मैं आपके साथ में एक वीडियो बनाऊंगा अमित भडाना के साथ, क्या बोलते हैं रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो इनको फर्स्ट टाइम अमित भडाना की कोई वीडियो दिखाऊंगा और मैं देखता हूं कि कैसा क्या रिएक्शन आने वाला है। तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए, मतलब देखना है, तो अगली वीडियो में यही बनाने वाला हूं। और ये स्कूल के चक्कर में मैंने एक DIA भी बनाया है, मैं आपको अभी लेख के दिखाता हूँ। मैंने एक टेबल फोल्डिंग टेबल बना के दिया है अपने बच्चे के लिए ताकि वो बैठ के मस्त कैमरा मोबाइल वोबाइल लगा के अपना स्टडी कर सके, फोल्डिंग टेबल। तो आपको देखना है तो आ जाइए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मैं हूँ अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।